अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। कोरोना के बढ़ते महासंकट के बीच लॉकडाउन के लिए तमाम नानुकुर और उच्च स्तरीय पेशबंदी के बावजूद यूपी में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर देनी पड़ी है। शनिवार व रविवार को यूपी में पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। जिन जिलों में 500 से ज्यादा केस रोजाना सामने आ रहे हैं, वहां रोजाना ही नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। मेडिकल सुविधा को भी लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। इससे पहले बढ़ते केसों के मद्देनजर यूपी के 10 जिलों में केवल रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन पूरे प्रदेश में शनिवार व रविवार को लागू कर दिया गया है। यूपी सरकार का यह फैसला आज उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश प्रदेश सरकार को दिए थे। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल यूपी सरकार लॉकडाउन लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस निर्देश पर रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज व गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के लिए प्रदेश सरकार को कहा था। यूपी सरकार का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इन शहरों के अलावा मेरठ में भी बेड की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरठ में भी कोरोना संक्रमितों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह आंकड़ा 891 तक पहुंच गया है। कोरोना शुरुआत से अब तक मेरठ जिले में 428 लोगों के जीवन को ले चुका है। यूपी में वर्तमान में पिछले 24 घंटे में 28,211 केस नए सामने आए हैं, जबकि 167 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 9,997 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। उधर दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा राजधानी में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने के कारण प्रवासी मजदूरों में भगदड़ जैसे हालात हैं। यह भगदड़ 2020 जैसी ही है। दिल्ली में 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में समर वैकेशन की भी घोषणा कर दी है। गंभीर बात यह है कि यूपी में कोरोना के प्रति सरकार गंभीर जरूर नजर आ रही है, लेकिन पंचायती चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग व निर्धारित गाइडलाइन का खुला माहौल उड़ाया जा रहा है। तमाम लोगों का यहां तक कहना है कि बाजार बंद करने व नाइट कर्फ्यू लगाने से सरकार के मुताबिक कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगेगा, लेकिन पंचायत चुनाव से नहीं। प्रदेश भर में जुलूस निकल रहे हैं, कोरोना के सौदागर बने लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उधर ICSE पहले ही 10वीं की परीक्षा रद्द कर चुकी है, जबकि 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने का बोर्ड ने निर्णय लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।